Hello students, welcome you all to our channel that is Adventures Learning. We were discussing about the topics related to conservation of natural resources, in which a very important topic that we are going to cover is fossil fuels. What are fossil fuels and what are some fossil fuels that need to be conserved and used properly? So starting with the definition of fossil fuels, major part of our energy needs is being supplied by fossil fuels, for example coal, petroleum and natural gas. जितनी भी हमारी energy needs हैं वो maximumly fossil fuels के जरिए ही पूरी की जाती है. Fossil fuels जैसे कि coal, petroleum और natural gas. Fossil fuels are the carbon containing substances that were formed from the remains of organisms like plants and animals that lived millions of years ago and were buried deep in the interior of the earth. जितनी भी fossil fuels हैं उन सब में carbon की containment बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा carbon containing substances होती हैं जो कि form हुई है remaining से. किस चीज़ की remaining से? Organisms, जैसे कि plant और animals के जो remaining organisms रह गए थे, रिमेनिंग पार्टिकल्स रह गए थे, वो सब मिलियन एंड मिलियन ऑफ इयर्स अगो, बहुत बहुत पहले जितनी भी चीज़ें अर्थ के अंदर बरी हो गई थी, डीप डाउन जम गई थी, गड़ गई थी, वो सारी चीज़ें अब कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के रूप में हमारे काम में आ रही हैं. जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सबको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स एज अ नेचुरल रिसोर्स, और उसके बाद भी उसे हमारे यूज़ के लायक बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स वर कन्वर्टेड इंटू फॉसिल फ्यूल. ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे बन जाते हैं? जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाती हैं, जो डीप डाउन बरी हो जाती हैं अर्थ इंटीरियर्स में, वो सब कैसे फॉसिल फ्यूल्स बनती हैं? तो वो सब हाई टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कार्बन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है. तो ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट है वहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट और एनिमल रिमेन्स होते हैं, बचे कुचे चीज़ें जितने भी रह जाती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सब फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में आ जाती हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जितने भी आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, जिसको हम लोग पीट बोल रहे हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सब जब डैमेज हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे या जब इवोल्यूशन होगा, न्यू चेंजेस आना शुरू होगा, तो जितने भी रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं, ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको रिमेनिंग पार्टिकल्स जो रह जाते हैं, वो सब बरी डाउन हो जाते हैं, अर्थ के नीचे जम जाते हैं, और फिर उसको हम लोग पीट बोलते हैं. धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे पार होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, अंदर नहीं है, तो यहाँ पे उसे मिलती है कार्बन कंटेंट, जिससे मिलकर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट और प्रेशर की वजह से वो लिग्नाइट के फॉर्म में आ जाती है, और फिर लिग्नाइट से धीरे धीरे कोल के फॉर्म में आ जाती है. ये पूरा प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स क्रॉस हो जाते हैं, तब जा कर के ये पूरा फॉर्मेशन क्रिएट हो पाता है. इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें बहुत सारा नीड होता है उसका एनर्जी के लिए और भी डिफरेंट सारे बहुत सारे कामों के लिए. इसलिए जितने भी हमारे नेचुरल थिंग्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी को बचा के रखना या फिर प्रॉपरली उनका यूज़ करना, मिसयूज़ नहीं करना, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. लार्ज प्लांट्स वर कन्वर्टेड इंटू कोल वेयर आर स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इंटू पेट्रोलियम. जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स थे वो सब कोल में चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए, और जितने भी स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच वर ओरिजिनली मेड बाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स
एनर्जी में इतने ज्यादा रिच होते हैं, उनमें इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होता है कार्बन का, विच आर ओरिजिनली मेड बाय प्लांट्स, जो कि एक्चुअली ओरिजिनली प्लांट्स के जरिए बनाए जाते हैं सोलर एनर्जी के हेल्प से, क्योंकि हीट बहुत नीडेड है यहाँ पे. एज आई सेड, यहाँ पे हीट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारे पास हीट का एकमात्र सोर्स सोलर एनर्जी ही है. बिना किसी और फॉसिल फ्यूल के अगर हीट प्रोड्यूस करना है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से ही हो सकता है. व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम लॉन्ग अगो फ्रॉम सनलाइट वाया फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड. जितने भी केमिकल एनर्जी उनमें स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट से बन रहे हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब बहुत पहले ग्रीन प्लांट्स हुआ करते थे. तो अब ऑफकोर्स ग्रीन प्लांट्स थे तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते थे अपने फूडिंग एंड ऑल के लिए. तो जितने भी फोटोसिंथेसिस के जरिए उन्होंने जितना भी सनलाइट अब्जॉर्ब किया था या जितने भी केमिकल एनर्जी अब्जॉर्ब किए थे, जब उन्हें जलाया जाता है फॉसिल फ्यूल को, तो वो सारे रिलीज हो जाते हैं. ऑल फॉसिल फ्यूल्स यील्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एज द प्रोडक्ट्स ऑन कंप्लीट कंबशन. कंबशन, यू नो, कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसका एंड प्रोडक्ट हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. उस प्रोसेस को हम लोग कंबशन बोलते हैं. अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, कंबशन वो प्रोसेस है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, जिसके एंड में हमें एनर्जी, हीट, लाइट और CO2 मिलती है. तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जब ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो हमें एंड में CO2 मिलता है, कंप्लीट कंबशन होती है तब. फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लिटेबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब, आपका कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, सारी डिप्लिटेबल है. डिप्लिटेबल मतलब उनका क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. जितनी भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारी नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको रिन्यू फिर से नहीं किया जा सकता. एक्चुअली रेन्यू किया जा सकता है, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रेन्यू ऑल दीज थिंग्स. और जो चीज़ें एक बार जल गई हैं वो रिन्यू नहीं हो सकती हैं, फिर से वो प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा कि ग्रीन प्लांट्स को फिर से लिग्नाइट बनेगा, फिर लिग्नाइट से कोल के फॉर्म में आएगा, राइट? तो उस प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे हम लोग रेन्यूएबल सोर्सेस में काउंट करते हैं. दे आर बींग कंज्यूम्ड एट अ रेट मच फास्टर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सब का जो कंजम्पशन है उसका रेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनका फॉर्मेशन. फॉर्मेशन बहुत धीरे होती है, बहुत बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको हम ह्यूमन बींग्स इतना फास्ट रेट में कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, जिसकी वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, सॉरी, फॉसिल फ्यूल्स का ख़त्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया है. अभी ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम लोगों ने इसकी अच्छे से कंजर्वेशन नहीं की, प्रॉपर केयरली यूज़ नहीं किया, तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास फॉसिल फ्यूल रह नहीं जाएगा, या फिर रहेगा तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा कि कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. सो दे शुड बी यूज विथ केयर एंड कॉशन, एज दीज कैन नॉट बी रीजनरेटेड एट द प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. इसलिए इनका जो यूज़ है वो बहुत केयर और कॉशन के साथ करना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये जितने भी जगह पे एक्सट्रैक्ट हुई है, जहाँ जहाँ पे हमें अभी कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस मिलती हैं माइनिंग के थ्रू, वहाँ पे ये दोबारा से रीजेनरेट नहीं की जा सकती. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ये एक कोल माइनिंग एरिया है, एक ऐसा जगह जो अर्थ के अंदर है, पिटिंग करके, उसके माइनिंग करके, खोद कर वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है. इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स लगते हैं, टेक्निक्स लगते हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगती है, जिससे की वजह से वो कोल एक्चुअली यूजेबल हो पाता है. तो इत ज़रूरी नहीं है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिले, उसे यूजेबल फॉर्म में मिले, उसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग्स में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज में लाया जा सके. इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस एज वेल, जैसे मैंने अभी कहा, जितना टाइम इसे फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लगता है उतना ही टाइम उसे कन्वर्ट
करने में भी देना पड़ेगा हमें। कोल एंड इट्स कंजर्वेशन, कोल की कंजर्वेशन कैसे हो सकती है? कोल इज नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल, एज यू ऑल नो कोल जो है वो ब्लैक कलर की होती है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। कोल इज अ ब्लैक अकरिंग मिनरल विच इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कि मिक्सचर है कार्बन के कंपाउंड्स का कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोल या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। तो आप उसमें ये चीज आराम से लिख सकते हो क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं जो कि कोल कंटेन करता है। दोज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज आर द फाइव बेसिक कॉम्पोनेंट्स जो कि कोल में होती हैं। इट इज नॉट ओनली अ गुड फ्यूल बट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ लाइक कोल सिर्फ एक ऐसा फ्यूल नहीं है, कुछ एक अच्छा फ्यूल ही नहीं, इसके सिवा ये ऐसी बहुत सारी सोर्सेज है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल सकती हैं। कोल इज बिलीव टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल्स विच गॉट बरीड इनसाइड अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज विच अकर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड या फिर कुछ साइंटिस्ट के स्टडीज में ऐसा देखा गया है या उन्होंने ये चीज प्रेफर किया है कि कोल का जो फॉर्मेशन है वो फॉसिल से हुआ है। किसके फॉसिल से हुआ है? वैसे फॉसिल्स जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज के जब आए थे, अर्थ में अर्थक्वेक्स आए जब या सब वोल्केनोज आए, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे वो सब जब जमीन के अंदर धस गए थे, घुस गए थे अंदर, वहां पे जितने भी बचे कुचे चीजें थी की या फिर एनिमल्स की बची कुची चीजें जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज के टाइम पे दब गई थी, बची रह गई थी, वो सब अंदर ही अंदर धीरे 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 प्रोसेस आउट होते होते कोल का फॉर्म ले ली है। और ये पूरे प्रोसेस को होने में 300 मिलियन ईयर्स लगे हैं। जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज 300 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, उसी की वजह से आज हमें कोल मिल पा रहा है। टुडे वी गेट कोल फ्रॉम दीज एंशियंट डिपॉजिट्स, और हमें आज उन्हीं एंशियंट डिपॉजिट से कोल मिलता है। माइनेबल कोल इज डिफाइंड एज 50% ऑफ ऑल कोल विच इज इन सीम ऑफ एटलीस्ट 20 इंचेस थिक एंड विद इन 4,000 फीट एट द सरफेस। जो कोल माइनेबल है, मतलब जिसको खोद कर एक्चुअली निकाला जा सकता है, माइनिंग की जा सकती है, वो 50% ही कोल है उसका, जो कि अर्थ के 12 इंचेस मोटे लेयर पे हैं और 4,000 फीट अंदर है, अर्थ सरफेस के 4,000 फीट नीचे तक वो कोल है जिसको हम लोग माइनिंग करके निकाल सकते हैं। और ये वो कोयला है जो कि एक्चुअली सिर्फ 50% ही है। इन इंडिया कोल इज फाउंड मेनली इन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार, ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में कोल बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलती है और इनकी माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कोल माइनिंग हो रही है यहाँ पे। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोल माइंस हैं, बड़े बड़े ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी मिली है। लोग यहाँ पे ऐसे कोयले खोद खोद कर निकालते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी और फिर इस तरह से बाहर लेकर आते हैं और फिर उसे सेल किया जाता है। जो माइनिंग का ओनर होगा, ही विल बी द ओनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑफकोर्स, जिसका प्लेस है वो इस इन चीज़ों का मालिक है, तो इनको वो सेल करेगा एंड देन ही विल अर्न हिज बेनिफिट्स। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है जलाने में। ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोक मींस वो थम्सअप, कोका कोला विच वी ड्रिंक। तो ये जो मैन्युफैक्चर है वो कोक में, कोक के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है कोल। इट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन थर्मल प्लांट्स, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है थर्मल प्लांट्स में। एनर्जी ऑफ कोर्स हीट एनर्जी,
कोयले से आग लगाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल प्लांट्स में. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल गैसेस सच एज वाटर गैस. वाटर गैस जहाँ पे बनती है वहाँ पे भी इसे यूज किया जाता है. इट इज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलून, ज़ाइलीन, फेनॉल एक्सेट्रा. ये ऐसी जगह पे भी काम आती है. इट इज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. कोल के जरिए और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाई जाती है जैसे कि बेंजीन, टोलून, ज़ाइलीन, फेनॉल एक्सेट्रा. दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पे कोल का यूज होता है और कितने परसेंटेज में होता है. इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन में होता है 68% कोल का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन में होता है. कोल प्लेज अ वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड. पूरे दुनिया में कोल फायर्ड प्लांट्स करेंटली फ्यूल 38% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी. कोल से मिलने वाली जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलमोस्ट पूरे ग्लोबल में मतलब पूरे ग्लोब में 38% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देती है कोल बर्निंग से. सेकेंड इज स्टील प्रोडक्शन 7%. ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कोल. अगर आप यहाँ आसपास में जितने भी आपके कोल इंडस्ट्रीज हैं या स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे अगर आप देखो तो बड़े बड़े ऐसे भट्टे होते हैं जिसमें कोल बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में इनपुट दी जाती है जिससे जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं जिसमें स्टील और आयरन ओर्स होती हैं उनको प्योरेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है ऑफकोर्स जलाकर. और जलाने के लिए उसे जो हीट चाहिए होता है वो हमें कोल बर्निंग से मिलती है. नेक्स्ट इज सीमेंट प्रोडक्शन. द सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोड्यूस सीमेंट. सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी एनर्जी चाहिए सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी नीडेड और उसके लिए लोग कोल का यूज करते हैं. हीटिंग. एंथ्रोसाइट कोल प्रोड्यूसेस ओडर एंड स्मोक फ्री हीट एंड आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव दैन मोस्ट स्टैंडर्ड हीटिंग ऑप्शंस. बर्निंग के लिए भी कोल यूज़ में आती है क्योंकि कोल ओडरलेस होती है मतलब कोल को जलाने पे कोई गंदी स्मोक नहीं निकलती है और ओडर फ्री होती है, कोई गंदी स्मेल नहीं आती है जिसके वजह से ये एक ऐसा सोर्स है लोगों के लिए जिससे वो नॉर्मली अपने हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. अगर आप देखो तो घरों में खाने बनाने के लिए भी कई जगह जो चूल्हे जलते हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से कोल यूज़ करते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग्स, क्योंकि उसमें से धुआं बहुत कम उठता है, स्मेल बिल्कुल नहीं आती है और सबसे लेस एक्सपेंसिव है, खर्च कम पड़ते हैं कोल बर्निंग. नेक्स्ट 18% ऑफ पीपल यूजेस फॉर अदर यूजेस कोल को यूज करते हैं. यूजेस ऑफ कोल इंक्लूड एल्यूमिना रिफाइनरीज, पेपर मैन्युफैक्चरर्स एंड द केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज. कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज और भी हैं जो कि अपने मतलब के लिए अपने काम के लिए कोल बर्निंग को यूज में लेते हैं, कोल बर्निंग का प्रोसेस फॉलो अप करते हैं. क्योंकि जैसे कि एल्यूमिना रिफाइनरीज, पेपर मैन्युफैक्चरर्स, इनको जो हीट अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, जो भी इनकी नीड होती है वो सारा चीज कोल बर्निंग से ही फुलफिल होती है. द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ कोल. हमने ये तो जान लिया कि कोल के इतनी सारी यूजेस हैं, अब उसको कंजर्व कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ों में यूज हमें आ रहा है कोल तो उसको बचा कर रखना या उसको प्रॉपर यूज करना फिर किस तरह से हो पाएगा. अगर इतना ज़्यादा यूज है तो उसको सेव कैसे किया जाए. तो द फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड. जिन कामों में सिर्फ एनर्जी सिर्फ हीट के लिए कोल को जलाया जा रहा है तो उसके जगह कोई और अल्टरनेटिव ढूंढा जाए जैसे बायोगैस. थर्मल पावर प्लांट्स यूज कोल विच प्रोड्यूस लॉट ऑफ CO2, CO, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. देयरफॉर सम नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस कैन बी थॉट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. कई सारे ऐसे थर्मल प्लांट्स हैं जो कि कोल का यूज करते हैं ताकि वो बहुत सारा CO2, CO और SO2 जनरेट कर सकें. तो इसके लिए कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी हम लोग सोच सकते हैं. कोल की जगह सोलर एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस दैट पावर. ऑफ
सर्चिंग न्यूअर एरियाज हैविंग फॉसिल फ्यूल्स, कुछ अच्छे जगहों का, कुछ ऐसी नई नई जगहों का खोज करना जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स और हमें मिल सके। जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था कि कोल का एक मेन एरिया जो वहाँ पे है वो है बिहार और वेस्ट बंगाल, तो और भी जगह ढूंढा जाए जहाँ पे हमें और फॉसिल फ्यूल्स मिल सकते हैं। प्रोटेक्टिंग कोल माइंस फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स, दीज हैपन अ लॉट। जितने भी कोल माइंस हैं वहाँ पे अगर फायर हो जाती है, लाइक आग लग जाती है, तो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स के लिए इससे बड़ा नुकसान आई डोंट थिंक फॉसिल फ्यूल के थीम में हो सकता है। इसलिए कोल माइंस को आग लगने से बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पे एक्सीडेंटल फायर हो जाती है, आग लग जाता है कोल माइंस में, तो उसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं तुरंत में तो बाहर निकलना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, और जो कोयला है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो वो इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर जाएगा कि एक तो वहाँ पे जितने भी लोग अंदर में काम कर रहे होंगे वो लोग भी उनका डेथ चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी कोल वहाँ पे है जिनको एक्चुअली किसी और अच्छे यूज में लाया जा सकता था, वो सब वहीं पे माइन में ही जल जाएंगे। डेवलपिंग बेटर टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट फ्यूल फ्रॉम डिप्लेटिंग रिसोर्सेस, जहाँ पे रिसोर्सेस डिप्लीट कर रही हैं, कम हो रही हैं, वहाँ पे कुछ और अच्छे बेटर टेक्निक्स का यूज़ करना, ताकि जो बाकी बचे कुचे फ्यूल हैं वहाँ से वो अच्छे तरीके से निकाले जा सकें। रिड्यूसिंग वेस्टेज, बर्बादी कम करना। इंक्रीज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उस सब में इंक्रीज करना। कोयले का इस्तेमाल कम करके, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, तो वाटर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उनको डेवलप करना ज़्यादा, ना कि कोयले से मिलने वाली इलेक्ट्रिक को। टाइडल वेव्स ऑफ सी कैन बी यूज टू टर्न टर्माइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जितनी टाइडल वेव्स होती हैं सी की उसको यूज़ किया जा सकता है टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एज कम्पेयर टू कोयले जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। यूज ऑफ बायोमास एनर्जी, दिस टर्म इज यूज फॉर ऑल मटेरियल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, विच इंक्लूड्स लाइफ प्लांट मटेरियल, फ्रेश एंड मरीन एल्गी, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज लाइक स्ट्रॉ, बार्क, सॉडस्ट, हस्क, रूट्स, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा। तो जितने भी बायोमास एनर्जी हैं उन सबको यूज़ करना। बायोमास का मतलब होता है वैसी वैसी चीज़ें जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए हमें मिल सकती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोग करती हैं और वो हमें बायोमास एनर्जी भी दे सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें दे सकती हैं हमें बायोमास एनर्जी? लाइफ प्लांट, प्लांट मटेरियल जितनी भी होती हैं, लाइक प्लांट का जो बार्क है वो दे सकता है, फ्रेश एंड मरीन एल्गी, जो भी फ्रेश और मरीन एल्गी है वो, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज, खेती बाड़ी से निकले हुए जितने भी रेसिड्यूज हैं या फॉरेस्ट से मिले हुए जितने भी रेसिड्यूज हैं, जो बचे कुचे चीज़ें हैं जिसका कोई यूज़ में नहीं है, उसको हम लोग बायोमास एनर्जी बनाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इज जियोथर्मल एनर्जी, इन सम प्लेसेज हीटेड वाटर कम्स आउट एज अ हॉट स्प्रिंजेस, इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग वाटर एंड बिल्डिंग्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ये क्या है? कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरली गर्म पानी मिलती है हमें, इन सम प्लेसेस हीटर वाटर कम्स आउट एज अ हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी ही आती है वहाँ से, वो यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट, दूसरी एनर्जीज को यूज़ करना इन प्लेस ऑफ कोल विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड यूजिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे कि जो डर है अभी कि कोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हम और आपके जैसे लोगों नहीं खरीद पाएंगे, या फिर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में उसे यूज ना किया जाए कि वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाए, क्योंकि प्रोडक्शन तो अभी नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी तो वोल्केनो और अर्थक्वेक्स उतने हाई क्वांटिटीज में और उतने हाई लेवल पे नहीं आ रहे हैं कि फिर से फॉसिल फ्यूल बने, और अगर बनता भी है तो इट विल टेक 3,000 ईयर्स अगेन टू जनरेट लाइक दीज थिंग्स, तो उतना टाइम इन्वेस्ट करना के लिए हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो चीज़ें हमारे पास रिसेंटली हैं उसे ही
अच्छे से यूज करें, कंजर्व करके यूज करें, वेस्ट ना करें, और जितना हो सके उतना ज्यादा चीजों को रिप्लेस करते रहें। लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आप कोल से हैबिचुअल हो गए हो किसी काम को करने के लिए, तो कोल के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहो। थिंक फॉर द अदर सोर्सेस एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।